Hello students, welcome to Corrugate Me. Today we will start next lecture on trigonometry. तो आज का जो lecture है वो है trigonometric ratios of multiples and sub multiples of angles. Before starting any topic, we are always committed that we will first imagine the topic ki what will we study in the topic, ye hum log samjhenge, aur ye what is the meaning of the topic, uske baad mein hum log start kar denge topic. Before that I would like to revise which we have studied till now. To ab tak humne kya dekha, jaise ki har chapter mein main revision karata hu, sabse pehle humne quadrant vagera samajh kar ke larger angles कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखा. बेसिकली एन पाई प्लस माइनस थीटा का साइन क्या होगा, कोस क्या होगा, टेन क्या होगा, इस पर बेस्ड होकर के हमने सीखा. उसके बाद में हम लोगों ने ए प्लस बी और ए माइनस बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा और उन पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स विच आर यूजफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस वो हमने देखा. फिर हम लोगों ने साइन सी प्लस साइन डी यानी सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज देखा. फिर बीच में एक फॉर्मूला ये भी आया था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, टेन ऑफ समथिंग, ऑफ व्हाट, मल्टीपल्स. मल्टीपल्स मतलब जैसे टू के मल्टीपल्स होते हैं टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, these are the multiples of 2. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, these are the multiples of 3. In the same way, multiples of angles means 2 theta, 3 theta, 4 theta, 5 theta, these are the multiples of theta. And sum multiples of theta means sum angle matlab theta. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, साइन टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा क्या होता है, टेन टू थीटा क्या होता है, कॉट टू थीटा क्या होता है, साइन थ्री थीटा क्या होता है, एंड सो ऑन, कॉस थ्री थीटा क्या होता है. सम मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स, सम मल्टीपल्स मतलब थीटा बाय टू, थीटा बाय थ्री, थीटा बाय फोर. थीटा को मैंने क्या लिया, एंगल लिया. तो आपको समझ में आ गया, आज हम पढ़ेंगे साइन टू थीटा का फॉर्मूला, आज हम पढ़ेंगे साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा के साइन कोस टेन क्या होंगे. तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2 थीटा. तो 2 थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले आता है साइन 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा नहीं होता है, ठीक है. कैसे, ये वाली बेवकूफी तो आपको करना ही है कि साइन 2 थीटा मतलब साइन इंटू टू इंटू थीटा, तो कहीं पर भी टू को लोकेट कर दो, कहीं पर भी थीटा कर दो. सिन इज नॉट अ वेरिएबल, सिन इज नॉट अ कॉन्स्टेंट. तो दिस इज लाइक कि साइन 30 और साइन 60. साइन 60 का मतलब ये नहीं होता कि 2 इंटू 30, 2 को इधर कर दिया और 2 साइन 30 हो गया. दिस इज रॉन्ग, ऐसा हम नहीं कर सकते. तो बेसिकली व्हाट इज इट, इट इज साइन 2 थीटा मींस क्या बोल सकता हूं मैं, इन सबका एक्सप्लेनेशन भी मैं देता हुआ चलता हूं. तो साइन टू थीटा को हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे, साइन ऑफ टू थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन थ्री थीटा मीन्स साइन टू थीटा प्लस थीटा, कॉस टू थीटा मीन्स cos theta plus theta. तो अभी सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं sin 2 theta को. तो sin 2 theta को मैंने लिखा sin theta plus theta. तो इसका expansion क्या होगा, sin a cos b plus cos a sin b. What is it, 2 sin theta cos theta. So this is the formula for sin 2 theta. तो sin 2 theta आज से हम क्या याद रखेंगे, आपको क्या करना है बच्चों, देखो बहुत सारे फॉर्मूले होते जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में,
एक तो बेवकूफियों से बचना है। कौन सी बेवकूफी? कि साइन टू थीटा टू साइन थीटा नहीं होता। और याद कैसे रखना है? अगर साइन टू थीटा है, इसका मतलब आप यहां से क्या सीखे कि हम किसी एंगल, ध्यान से समझना, हम किसी एंगल के साइन को उस एंगल के आधे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 40 का आधा 20, तो 2 साइन 20 कोस 20 लिख सकता हूं। साइन 100 को लिख सकता हूं 2 साइन 50 कोस 50। कहीं ऐसा लिखा हो तो ऐसे आ जाना चाहिए। और वैसे भी आपने क्या पढ़ा था, 2 साइन ए कोस भी अगर यहां लगा दो प्रोडक्ट टू सम, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आया साइन 100। तो ये आपने देखा कि 2 थीटा के रेशियो को हम लोग थीटा के रेशियोज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां समझते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा प्लस थीटा। एक तो कुछ बच्चों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि सर जिस तरीके से आपको सारे फॉर्मूले याद हैं वैसे हमें क्यों याद नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। मेरी प्रैक्टिस काफी ज्यादा है आप लोगों से, मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, फॉर्मूले धीरे धीरे याद होंगे। लेकिन एक चीज आप कभी मत करना, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ लोग सजेस्ट करते हैं सारे फॉर्मूलों का एक चार्ट बना करके सामने लगा दो, बिल्कुल मत करना। आप फॉर्मूला एक बार याद कर लो, हाँ कहीं लिख करके रख सकते हो आप इकट्ठे, ताकि सारे फॉर्मूले जब भी जरूरत पड़े देख लो। लेकिन ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना कि फॉर्मूलाज देख देख करके शुरू में क्वेश्चन करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो होगा क्या कि आपको फॉर्मूलाज कभी याद नहीं होंगे। आप एक बार याद करो, उसके बाद में उसको साइड कर दो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर फॉर्मूला गलत लगा रहे हो तो उसको देखो कि क्या था एक्चुअल में फॉर्मूला, तब देखो। लेकिन फॉर्मूला देख देख करके क्वेश्चन मत करना। कुछ सैंपल टीचर्स हैं तो वो ऐसे ही एडवाइस करते हैं कि नहीं फॉर्मूला देखो फिर क्वेश्चन करो, तो ऐसा कभी नहीं करना है। इवन फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको नहीं करना है ऐसा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर भूल गए तो आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अप्लाई करो, यानी दिमाग पर जोर पड़ना चाहिए कि फॉर्मूला याद करो हर बार, यानी दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मूला था क्या। तो कॉस 2 थीटा को मैंने लिखा थीटा प्लस थीटा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए और बी दोनों थीटा थीटा, व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस बी। इसके और भी फॉर्म्स हैं, कैसे इसके फॉर्म्स नहीं है, इसको हम और भी क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साफ साफ दिख रहा है कि कोस स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, 1 माइनस याद रख नहीं सकते हो, याद रखना पड़ेगा। यहां देखो कोस स्क्वायर थीटा को डिस्टर्ब नहीं करूं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos square theta, so it becomes 2 cos square theta minus 1। तो आपको इसके तीन फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, cos 2 theta, cos और sin में होता है cos square theta minus sin square theta, cos 2 theta मतलब sin में अगर लिखना हो तो 1 minus 2 sin square theta, और cos में बस बोलना हो तो 2 cos square theta minus 1। tan 2 theta का फॉर्मूला 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। How does it come? You know the logic. क्या करेंगे इसके लिए, tan 2 थीटा को लिख दूंगा मैं tan a plus b, because I know the formula of tan a plus b. What is the formula of tan a plus b? Tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Tan b क्या होगा, tan थीटा। तो क्या बन गया 2 tan थीटा upon 1 minus tan square। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फॉर्मूला है cot 2 थीटा। अभी आपने जो पढ़े ना बच्चों, इनका मतलब क्या है, कभी जरूरत पड़ी तो, जैसे मान लीजिए tan 4x है। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे सर 2 थीटा का तो पढ़ा था, 4 थीटा का तो पढ़ा ही नहीं, तो मैं 4x वाले एंगल को हाफ एंगल यानी 2x के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिख सकता हूं। तो कैसे लिखूंगा, हाफ एंगल tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
व्हाट इज थीटा 2x. मैंने क्या सीखा कि cos 40 को मैं 20 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिख सकता हूं. तो जैसी जरूरत वैसा फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 20 डिग्री ऐसे लिख सकता हूं, या 2 cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1 लिख सकता हूं. अगर मैं लिखा हो sin 15, मैं इसको ये 7.5 यानी 7.5 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिख सकता हूं. 2 sin 7.5 cos 7.5 जरूरत पड़ने का. तो आप क्या सीख रहे हो, किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके हाफ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना. इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी कहते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी कहते हैं. ठीक है, अब cot 2 थीटा के लिए क्या तैयारी करें. देखो cot 2 थीटा के लिए हम करेंगे cot थीटा प्लस थीटा, इट बिकम्स cot a प्लस बी. तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b. व्हाट डज इट बिकम, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा. यानी हमने 2 थीटा के cot को थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल दिया, विच इज cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा. याद करोगे तो याद करते करते बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा. तो ये हो गए 2 थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आप में से कई बोलेंगे कि सर sec 2 थीटा का, sec 2 थीटा का फॉर्मूला अच्छा नहीं आता, इसलिए मैथमेटिशियन लोग पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे. ऐसे लिखोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो कोई अच्छा सा फॉर्मूला नहीं बनता है, इसलिए इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते. और यही सेम cosec 2 थीटा के लिए भी. तो अभी हमने पढ़े 2 थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, आपने सिर्फ 2 थीटा का साइन नहीं पढ़ा है, आपने 4 थीटा का साइन भी पढ़ लिया. इसका मतलब 6x के साइन को 3x के साइन को उसमें लिखा जा सकता है. इट मींस 6x के cos को 3x के cos में लिखा जा सकता है, या 3x के साइन में लिखा जा सकता है, या 3x के cos और साइन दोनों में लिखा जा सकता है. मींस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3x. कहीं आ जाए 10x, तो यू कैन सिंपली राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 4x. आ रहे समझ में? तो ये वाली बात दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सर सिर्फ हमने 2 थीटा के ही फॉर्मूलाज पढ़े हैं. अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3 थीटा, ये भी हमें याद रखना है. ये बच्चों याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज है. फर्स्ट तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स, थीटा के मल्टीपल्स. 2 थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने पढ़ा, फिर थीटा के मल्टीपल 3 थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. साइन 3 थीटा को कैसे एक्सपेंड करेंगे, यानी आई वॉन्ट टू राइट साइन ऑफ 3 थीटा इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा. यानी यहां पर थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही मुझे चाहिए. तो व्हाट कैन आई डू फॉर दिस, साइन 3 थीटा को मैं स्प्लिट करूंगा साइन 2 थीटा प्लस थीटा. कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे स्प्लिट क्यों नहीं किया, ऐसे स्प्लिट नहीं किया बच्चों क्योंकि मुझे साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं पता. ऐसे स्प्लिट किया, ऐसे स्प्लिट किया तो क्या आया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. बट आई वॉन्ट इच एंड एवरी टर्म्स, इच एंड एवरी टर्म इन द टर्म्स ऑफ थीटा, या इन द फॉर्म ऑफ थीटा. तो साइन 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक और कॉस थीटा. मुझे थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलना है ना, और इसको कैसे करूं, कोई भी फॉर्मूला लगा दूं. हाँ, लेकिन मुझे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला चाहिए साइन में, तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब. But my problem is, I want to get this formula in the terms of theta, but कोशिश ये करूं कि सारी terms sine में ही हो. Possible है? इसको क्या लिख दूंगा, 1 minus sine square. Proof भी मैं आपको बताता जा रहा हूं, sine theta minus 2 sine cube theta.
मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 2 sin थीटा, इट बिकम्स माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। ध्यान से समझना और जब आप सीख गए तो क्या करना, वीडियो पोस्ट करके cos 3 थीटा का खुद से डिराइव करना, tan 3 थीटा का खुद से डिराइव करना, 2 sin थीटा sin थीटा, 3 sin थीटा, 2 sin क्यूब थीटा 2 sin क्यूब थीटा, माइनस का 4 sin क्यूब। तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? याद कैसे करोगे, दो तीन बार डिराइव कर लो, दो तीन बार रट लो, अपने आप याद हो जाएगा। कॉस थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला मुझे तो पता है, क्या फॉर्मूला, 3 थीटा के कॉस को थीटा के कोसाइन के फॉर्म में लिखना। तो यह होता है, आप वीडियो पॉज करके खुद से डिराइव करना, 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप ये देखो कि जिस तरीके से ये एक्सपेंड हुआ उस तरीके से ये नहीं हुआ, अलग तरीके से हुआ। इन द सेम वे अगर ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा में ब्रेक हुआ, स्प्लिट हुआ, तो ये अलग तरीके से स्प्लिट हुआ, ये 3 cos थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा की तरह नहीं हुआ, 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा के फॉर्म में हुआ। वीडियो पॉज करके आप खुद से डिराइव करना कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे लाए। cos 3 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos 2 थीटा प्लस थीटा। अब जहां जहां पर भी 2 थीटा के रेशियोज आएंगे उनको हम थीटा के रेशियोज में बदल सकते हैं, और अल्टीमेटली या इवेंचुअली हमें क्या चाहिए, cos 3 थीटा थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चाहिए। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला cos है तो cos में ही चाहिए, 2 cos square थीटा माइनस 1। क्या सीख रहे हो, जैसी जरूरत वैसा फॉर्मूला। अभी cos ऑफ 3 थीटा पढ़ रहे हैं तो वी वुड लाइक कि इसके एक्सपेंशन में जितने भी एल्जेब्रिक सॉरी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो वो सभी के सभी cos हो, cos में हो, ऐसी कोशिश कर रहे हो। माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन गया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा सॉरी cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक्सपेंड किया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा, 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा, आया ना भाई जो लिखा हुआ है। उसके बाद में tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कैसे आया सर, कैसे डिराइव कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से डिराइव करने की कोशिश करना। हमारे सामने है tan 3 थीटा, व्हाट विल आई डू, आई विल ब्रेक 3 थीटा इज दिस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब मुझे तो थीटा में चाहिए सब कुछ, क्योंकि 3 थीटा इज द मल्टीपल ऑफ थीटा एंड थीटा इज द बेसिक एंगल, तो हम 3 थीटा को स्प्लिट कर रहे हैं इस तरीके से। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, बार बार प्रूफ करो, sin 2 थीटा कैसे आया, cos 2 थीटा कैसे आया, tan 2 थीटा कैसे आया, तो आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। 1 माइनस tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर क्या बना, 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसको हमने क्योंकि यहां जो आएगा वो यहां पर भी आएगा, तो ये इसे इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। आया समझ में,
आप इसको ऐसे भी ला सकते थे, tan 3 थीटा को आप sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा लिखकर भी ला सकते थे. sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. cos 3 थीटा मतलब 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा. अब मुझे tan में बनाना है, tan में कैसे बनेगा देखो, tan चाहिए तो इसको sin क्यूब से cos क्यूब से डिवाइड किया, तो डिवाइडेड बाय cos क्यूब, तो 3 sin थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा. 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा डिवाइड किया किससे, किससे डिवाइड किया cos क्यूब थीटा से. इधर 4 माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos क्यूब थीटा, क्योंकि मैं tan के पीछे भाग रहा हूं. tan तो बनेगा 3 tan थीटा, 3 sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा. 3 cos से cos कट गया तो 3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा मतलब 3 sec स्क्वायर थीटा. आई वांट द रिजल्ट इन tan थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. 3 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा. 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 3 tan थीटा प्लस 3 tan क्यूब थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा. 4 माइनस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर. आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि 3 थीटा का जो tan है मतलब साइन 30 डिग्री को मैं 10 डिग्री के रेशियोज में, यानी कि अगर ये 3 थीटा है तो मैं इसको 10 डिग्री के रेशियोज में भी ला सकता हूं और मैं इसको 15 डिग्री के रेशियोज में भी ला सकता हूं. 15 डिग्री के रेशियोज में ऐसे लाऊंगा 2 साइन 15 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला लगा करके, इसको मन में अगर 2 थीटा मानू तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, इसको मन में अगर 3 थीटा मानू तो मैं क्या ला सकता हूं 3 साइन 10 माइनस 4 साइन क्यूब 10. ठीक है, ये आपने सीखा. आपने क्या सीखा, साइन 6x को या फिर कॉस 6x को आप 3x के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी लिख सकते हो और 2x के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी लिख सकते हो. अब 2x के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यानी कि 1/3 एंगल में ले जा रहा हूं तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा. 1 सेकंड मतलब 1/2 हाफ एंगल के उसमें ले जाना चाह रहा हूं तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगेगा. तो अगर मैं 2x में लिखना चाहूंगा तो ये 3 थीटा है तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा. थीटा क्या हो जाएगा 2x, अगर ये 3 थीटा है तो थीटा हो गया 2x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ये थीटा और ये 3 थीटा. तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं. तो हमने देखा मतलब इस तरीके से हम लोग 3 थीटा 2 थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐसे, बच्चों इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग साइन 4 थीटा के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस 4 थीटा के लिए लिख सकते हैं, लेकिन हमें याद उनको करना नहीं है, उनको रटना नहीं है. हमें यहां से तरीका पकड़ना है और मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसको लिख लेना. मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चन, एग्जांपल एक्सपेंड साइन 4 थीटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको एक्सप्रेस करना है साइन 4 थीटा. ठीक है, ध्यान से समझ लो, 4 थीटा को मैं 2 थीटा में भी ले जा सकता हूं, हाफ एंगल में भी ले जा सकता हूं, और 1/3 एंगल यानी 4 थीटा बाय 3 में भी ले जा सकता हूं. 4 थीटा बाय 3 में हम कंफर्टेबल नहीं है तो मैं 2 थीटा में ले जा रहा हूं. तो क्या सीखे थे आप, सीखे थे साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू 2 कॉस हाफ एंगल साइन हाफ एंगल,
Why? Because the formula of sine 2 theta is equal to, आपको रट लेना है 2 sin theta cos theta. तो what can I write it? I can write it as 2 sin theta cos 2 theta. Now I want to convert the whole expression in the trigonometric ratios of theta. Sin 2 theta का formula आपको पता है, 2 sin theta cos theta. इसका formula आपको पता है, कौन सा लगाऊं सर, तीन तीन होते हैं, आपकी मर्जी कोई सा भी लगा दो. तो मैंने लगाया cos square theta minus sin square theta, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4 sin theta cos cube theta minus 4 sin cube theta cos theta. क्या कॉमन आ रहा है, 4 sin theta cos theta कॉमन आ रहा है, क्या बचा cos square theta minus sin square theta. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको और भी फॉर्म में ला सकते हो. कुल मिलाकर के एक्सपेंशन करने का तरीका आप लोगों ने सीखा. यहां पर बात आती है कि सर क्या मैं इसको पूरा साइन में बदल सकता हूं, नहीं बदल पाओगे. क्यों नहीं बदल पाओगे, सोचो कि इस कोस का साइन में अगर आप बदलोगे, ये साइन में बदल जाएगा, ये ऑलरेडी साइन में है, ये साइन में है. इसको अगर बदलोगे तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, रूट फंस जाएगा, यानी पूरा साइन में नहीं आ सकता. जिस तरीके से साइन 2 थीटा पूरा साइन में नहीं आया था, 2 sin theta cos theta आया था, लेकिन sin 3 theta पूरा sin में आ गया था, cos 3 theta पूरा cos में आ गया था, cos 2 theta पूरा cos में आ गया था. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब expand करें तो each and every term sin 4 theta के expansion में, ये जरूरी नहीं है कि हर term sin 3. मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए कि expand cos 5x या cos 4x इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ x. अब 4x को x में एक्सप्रेस करना है तो 1/4 एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने नहीं पढ़े, हाफ एंगल का पढ़ा है, 1/3 एंगल का पढ़ा है, तो कैसे करेंगे. cos 4x हम इसको 2x में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और 1/3 एंगल यानी 4x by 3 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन 4x by 3 में एक्सप्रेस करने से हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें इवेंचुअली x तक पहुंचना है. तो 2x में मैं स्प्लिट कर दूंगा, 2x के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ला दूंगा, फिर 2x के हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मुझे फॉर्मूला पता है x में, तो मैं x तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है. cos 4x को मैं लिख सकता हूं 2 cos square 2x minus 1. What did I apply? मैंने क्या सीखा था, cos of any angle is always equal to 2 cos square half angle minus 1 या फिर 1 minus 2 sin square half angle. तो आपको बच्चों अभी हो सकता है कि समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो बिकॉज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन आप बार बार जब डिराइव करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा. और आप इस बात को समझो कि आपने sin 2 theta का फॉर्मूला जब पढ़ा तो आपने सिर्फ sin 2 theta का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आपने हर उस एंगल का साइन पढ़ा है, जिस एंगल के साइन को मुझे उस एंगल के हाफ, ध्यान से सुनना, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है कि आप किसी भी एंगल के साइन को उसके हाफ एंगल के साइन कोस में लिख सकते हो, आप किसी भी एंगल के कोस को उसके हाफ एंगल के साइन कोस के फॉर्म में लिख सकते हो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है. अब कई बच्चे क्या करते हैं, cos 4x तो उसको ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, cos x plus x plus x plus x, क्योंकि उन्होंने sin 2x में सीखा कि x में हम लोग कैसे sin 2x को x में लेकर के आते हैं, 2x को x plus x लिखते हैं. तो लेकिन यहां तो बच्चों cos a plus b plus c plus d का फॉर्मूला हमें पता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से जाकर के तो cos a plus b याद हुआ था, ऊपर से ये भी याद नहीं और आप इसकी बात कर रहे हो, सो इट इज नॉट पॉसिबल. होता होगा बट वी डोंट नो द फॉर्मूला और हमें याद भी नहीं करना है. अब मुझे इसको ले जाना है किसमें, x की फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, cos 2x को पकड़ूंगा और cos 2x को cos के फॉर्म में लिखूंगा, 2 cos square x minus 1 whole square minus 1. What am I trying is कि I want to express cosine of 4x, cosine of 4x in the cosine of, in cosine of x, and I can do so. इसका square 4 cos to the power 4x minus 4 cos square x 2ab plus 1 minus 1. What does it come? 8 cos x whole power 4 minus 8 cos square x
प्लस टू माइनस वन प्लस वन हो गया। अब आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए मैं बोलूं आपको सपोज एक्सपेंड साइन सिक्स एक्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्स, अब की बार इसको बदल लेते हैं सिक्स थीटा इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, तो ये मत सोचना कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला तो टू थीटा और थ्री थीटा का ही है। फिर चौथी बार बोल रहा हूं, आपने टू थीटा का साइन नहीं पढ़ा है, आपने किसी भी एंगल के साइन को उस एंगल के हाफ एंगल के साइन को उसमें बदलने का तरीका सीखा है, आपने साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपने किसी भी एंगल के साइन को उसके वन थर्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलने का फॉर्मूला पढ़ा है, तो साइन सिक्स थीटा को मुझे एक्सपेंड करना है कि जो भी टर्म्स है वो सब थीटा के, तो सिक्स थीटा को मैं थ्री थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूं और टू थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो मैं थ्री थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो साइन ऑफ फुल एंगल इज इक्वल टू टू साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। अब मैंने थ्री थीटा का साइन और थ्री थीटा का कॉस पढ़ा हुआ है, थ्री थीटा का साइन होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, और थ्री थीटा का कॉस होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करूंगा थ्री टू जार सिक्स साइन थीटा इंटू, या टू को बाहर रख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया ट्वेल्व साइन थीटा कॉस टू थीटा, ठीक है। फिर दिस इक्वल्स माइनस नाइन साइन थीटा कॉस थीटा, इट विल बी माइनस सिक्सटीन साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, इट विल बी प्लस ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। आप देखो साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, तो साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन ले लूं, ओके टू साइन थीटा, सॉरी हाँ टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा ट्वेल्व कॉस स्क्वायर थीटा माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वेल्व साइन थीटा, कॉस थीटा तो बाहर ले लिया, ठीक। इस पूरे को मैं साइन में बदल सकता हूं, बदल दो, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि साइन का सिक्स थीटा है, सॉरी सिक्स थीटा का साइन है, तो मैं कोशिश करूं कि इसके एक्सपेंशन में जितनी टर्म्स साइन थीटा की ला सकूंगा लाऊंगा, या फिर ये देखूंगा कि मुझे जो एक्सपेंड करने का इंस्ट्रक्शन मिला है, या आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो वहां तक वो जो भी एक्सप्रेशन साइन सिक्स थीटा के इक्वल में है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं बदल सकता हूं ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वेल्व साइन थीटा। आगे बढ़े टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 12 माइनस ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिक्सटीन साइन टू दी पावर फोर थीटा प्लस ट्वेल्व साइन थीटा। इरिटेट नहीं होना है, आराम से करना है। ये हो गया टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, अब ये सबसे पहले आया सिक्सटीन साइन फोर थीटा, क्यूब कहीं है क्या नहीं है, साइन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट साइन स्क्वायर थीटा, ये कवर ये कवर ये कवर, साइन थीटा बचा है क्या प्लस का ट्वेल्व साइन थीटा, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में ट्वेल्व माइनस नाइन प्लस थ्री हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइन फाइव थीटा, इस तरीके से आप कॉस फाइव थीटा एक्सपेंड कर सकते हो, इस तरीके से आप साइन एट थीटा, लेकिन जितना बड़ा थीटा होता जाएगा उतना लंबा लंबा सॉल्यूशन होता जाएगा। तो यूजुअली ये आपके एनुअल एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, एनुअल मतलब आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट साइन सिक्स थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट रिजल्ट दिख दे थीटा में, वो हमें लेकर के आना होगा। या ऐसे बोल सकता है कि एक्सपेंड साइन फोर थीटा इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेंड कोस फोर थीटा इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, तो आपको तरीका मिल गया। तो आपने क्या पढ़ाई है, मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े ये सारे के सारे हमें याद होने चाहिए, लेकिन
जिस तरीके से a प्लस बी का साइन पढ़ने से या a प्लस बी a माइनस बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लेने से बात नहीं बनती है, उसी तरीके से इनसे कनेक्टेड कुछ कॉन्क्लूजन्स विच आर बेस्ड ऑन साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा पर जो बेस्ड है कॉन्क्लूजन्स उनको हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आप सारे के सारे फॉर्मूले पहले रट लीजिए। तो कुछ कॉन्क्लूजन्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एमटीआर का एक नया सेक्शन आ गया, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको ये रिजल्ट्स याद रखने चाहिए, चाहिए नहीं याद रखने पड़ेंगे, मुझे तो रटो मींस मेमोरी टिप्स रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स थीटा कि टू थीटा थ्री थीटा के जो फॉर्मूलाज या इनका साइन कॉस टेन इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े हैं उन पर बेस्ड कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं। आई वुड लाइक टू रिकॉल देम, नॉट रिकॉल, आई वुड लाइक टू टेल देम। तो इसमें पहला है कि 1 माइनस साइन टू थीटा 1 प्लस साइन, इसको आप टू थीटा के फॉर्म में मत रटो, 1 माइनस साइन ऑफ एनीथिंग 1 प्लस साइन ऑफ एनीथिंग 1 माइनस कॉस ऑफ एनीथिंग 1 प्लस कॉस ऑफ एनीथिंग, ये आपको रटना है, ये कुछ ना कुछ होता है। तो व्हाट डू आई वांट टू से कि जब कभी आप 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस देख लो तब आप इनको किस तरीके से याद रखोगे, ये हमेशा होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमेशा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आपको एक कसम खानी है। कसम क्या खानी है? हम कसम खाते हैं कि मैथमेटिक्स में जब कभी 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग देखेंगे वी विल राइट इट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। हम कसम खाते हैं कि जब जब भी हम 1 प्लस कॉस देखेंगे हम उसको 2 कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। 100% ये काम करेगा बच्चों, हमेशा काम करेगा, और यही फॉर्मूला वहां पर लगता है। जब जब भी हम 1 प्लस साइन एक्स देखेंगे हम इसको लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। कैसे आया आप इसको चेक कर सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा मीन्स साइन टू थीटा मीन्स साइन एक्स। ये होता है cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर। आप इसको भी चेक कर सकते हो, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 1 माइनस 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 व्हाट इज इट, इट इज 1 माइनस sin x। ये आपको रटना है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लोगे, सिंस cos कैपिटल x इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू सो वॉट डिड आई गेट साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका एक्सप्लेनेशन कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 सो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको हमेशा याद रखना है। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप इनके एक्सप्लेनेशन को ऐसे भी ले सकते हो कि सर यहां जब 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है तो मैं इसको बोल सकता हूं कॉस 0 माइनस कॉस एक्स, नाउ आई कैन अप्लाई कॉस सी माइनस कॉस डी विच इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत सारे हैं इसके लिए, 1 प्लस कॉस कैपिटल एक्स को क्या लिख दूं, कॉस 0 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो माइनस एक्स बाई 2 यानी कि वो खत्म हो जाएगा, कॉस माइनस को खा जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2।
यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वन को लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू माइनस साइन एक्स, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू, फिर साइन सी माइनस डी बाई टू, तो क्या बन गया टू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा कोस ए प्लस बी लगा करके और साइन ए माइनस बी लगा करके, तब जाकर के आपको कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये जो आपने देखा, तो यानी यहां बच्चों जो अभी तरीका अपनाए थे वो ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन आपको ये रटना ही पड़ेगा, याद होना चाहिए एम टी आर मुझे तो रटो, तो ये आपको याद होने चाहिए। वापस से बता दूं, वन प्लस साइन कुछ ना कुछ कहता है, वन माइनस साइन कुछ ना कुछ कहता है, वन प्लस कोस कुछ ना कुछ कहता है, वन माइनस कोस कुछ ना कुछ कहता है, वन माइनस कोस ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एनीथिंग, वन प्लस कोस ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर हाफ ऑफ एनीथिंग, वही थिंग जो थी, वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, वन माइनस साइन एक्स बाई टू सॉरी वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना, मैं इनको मिटा दे रहा हूं। एमटीआर में अब ये चीज आपको याद रखनी है, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, ये भी एमटीआर का एक सेक्शन है, ये स्पेशल फॉर्मूला से, ये भी आप हाफ एंगल फॉर्मूला बोल सकते हो। साइन टू थीटा को आपने क्या पढ़ा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन मैं टेन थीटा के फॉर्म में इसको आपको बताने जा रहा हूं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको याद रखना पड़ेगा, चाहो तो इसको चेक कर लो, टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, इट बिकम्स टू साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर गया क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। आगे आपको याद रखना है ये एमटीआर फिफ्थ है, एमटीआर सिक्स, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा में भी होता है, कॉस ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली द चैप्टर इन इलेवेंथ क्लास जिसमें आपको कई सारे फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, फिर ट्वेल्थ में ऐसा ही एक और चैप्टर आएगा आईटीएफ जिसमें फॉर्मूले सबका प्रूफ हमें पता है, इन सबका प्रूफ हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्योंकि ऑन द स्पॉट जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो इट टेक्स टाइम। इसको चेक कर लो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्या बन गया कॉस टू थीटा। तो आपको साइन टू थीटा और कोस टू थीटा ये दो नए फॉर्मूले मैंने आपको बताया, ये भी याद रखने हैं जो कि टेन में बताया कि साइन टू थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है, कोस टू थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी होता है, वन माइनस टू टू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है और टेन में भी होता है। सर इतने सारे फॉर्मूले, बिल्कुल मुझे भी याद है, आपको भी धीरे धीरे याद होंगे, पर एक अच्छे बच्चे को याद हो ही जाते हैं, तो ये आपको एमटीआर याद रखने हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स पर आते हैं अब हम लोग, फाइंड साइन टू अल्फा इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू फोर बाई फाइव एंड अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी आपको दे दिया, अल्फा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई कोई एक्यूट एंगल है, साइन अल्फा दिया है, अल्फा का साइन दिया है और टू अल्फा का साइन कुछ है, निकाल लेंगे। सर साइन टू अल्फा अगर अल्फा की फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास साइन अल्फा है, तो क्या लिखूंगा टू साइन अल्फा कोस अल्फा, तो साइन अल्फा तो मुझे पता है, कोस अल्फा पता करना पड़ेगा, साइन अल्फा फोर बाई फाइव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर फोर हाइपोटेन्यूस फाइव तो बेस थ्री, थ्री बाय फाइव, थ्री बाय फाइव कितना हो गया एट, थ्री जार ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव, सिंपल सा क्वेश्चन था। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि फाइंड
find cos 2 alpha if tan alpha is equal to 3 by 2. इसको भी निकाल लेंगे. cos 2 alpha का formula देखो, cos 2 alpha का formula ये भी होता है, ये भी होता है, और 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha भी होता है. मैं आपको जबरदस्ती इंपोज नहीं कर रहा हूं चीजें कि आप जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वही रटो, लेकिन रटना तो पड़ेगा. सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. अगर आप ये वाला यूज करना चाह रहे हो, जो पूछा है, क्या पूछा है, cos 2 अल्फा दिया क्या है, अल्फा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और 2 अल्फा का cos पूछा है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करके cos 2 अल्फा निकालना है तो आपको sin अल्फा की जरूरत पड़ेगी. तो sin अल्फा यहां से निकाल लो. इससे अगर किसी एंगल का एक रेशियो दिया है तो बाकी हम लोग निकाल सकते. कुछ नहीं दिया मतलब अल्फा एक्यूट एंगल है, ये तरीका हुआ. ये वाला लगाना है तो आपको cos अल्फा निकालना पड़ेगा. ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, cos अल्फा निकाल लोगे. ये वाला यूज करना है तो डायरेक्ट 1 माइनस 9 बाई 4 अपॉन 1 प्लस 9 बाई 4. 4 माइनस 9 माइनस 5 बाई 4. 4 प्लस 9 13 बाई 4. कितना आया? माइनस 5 बाई 13. ठीक है. तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं. उसके बाद में एक एमटीआर और है जो मुझे याद आ रहा है, सेवंथ नंबर का एमटीआर. देखो चार में तो मैंने शुरू के चार में क्या बताया, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, है ना. फिर उसके बाद में बताया sin 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, cos 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. 6 हो गए. सातवां है cot थीटा माइनस tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, या इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो, cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. जैसे आप याद रखना चाहो. पहले इसको सर ऐसे कितने एमटीआर हैं, ज्यादा नहीं है, 50 क्रॉस नहीं करेंगे. आप सारे फॉर्मूलों को एक तरफ लिखना, एमटीआर को एक तरफ लिखना. एक नोटबुक में ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, इधर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलास और इधर सारे एमटीआर. अब पहले इसको प्रूव कर लेते हैं. तो इसको प्रूव करते हैं. एलएचएस कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा. सारे एमटीआर पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी करूंगा. अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारे फॉर्मूला किस तरीके से काम करते हैं. कहने का मतलब सिर्फ 2 थीटा के साइन को स्टैन रट लेने से, 3 थीटा के साइन को स्टैन रट लेने से बात नहीं बनती है. साथ में ये कंक्लूजन भी हमें याद होने चाहिए. और ये सारे कंक्लूजन कहां से निकले? 2 थीटा 3 थीटा के फॉर्मूला से ही निकले. cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा का फॉर्मूला, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा, ये निपट लिया 2. cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा, क्या आया? 1 बाई cot थीटा दैट इज tan थीटा. ये जे एडवांस में दो बार पूछा जा चुका है. जब क्वेश्चन आता है तब पता भी नहीं लगता कि क्या रिलेशन है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ये शायद आप भूल जाओगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं यहां करा दूंगा, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, एक दो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको याद हो ही जाएगा. और सारी चीजें तो बच्चों अच्छे बच्चे को याद होती है ना. अच्छा, रटते हैं और रटते टाइम लोड नहीं लेना है कि सर मुझे तो याद ही नहीं हो रहा. धीरे धीरे याद होंगे, प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप याद होते जाएंगे. लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि सामने चार्ट बना करके रख दिया और जब क्वेश्चन कर रहे हो तो फॉर्मूला देख करके क्वेश्चन कर दिया, ऐसा कभी मत करना. अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन ए tan थीटा, ऑप्शन बी tan 2 थीटा, सी cot थीटा, डी cot 2 थीटा. मुझे कुछ एमटीआर और भी याद आ रहे हैं, इसके बाद दिखा दूंगा. ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो दिया क्या है, sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा cos 2 थीटा. 2 थीटा की भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और थीटा की भी है. यहां देखो क्या देखे सर, इसको मैंने एक्सपेंड किया 2 sin थीटा cos थीटा. यहां पर या तो मैं 1 प्लस cos, आपने कसम कह दी जब जब भी 1 प्लस cos दिखेगा, तो अगर आप 1 प्लस cos लगाते हो तो थीटा बाई 2 इंसर्ट हो जाएगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए.
ऑलरेडी थीटा और टू थीटा को डील कर रहे हैं, थीटा बाय टू भी आ जाएगा तो दिमाग खराब होगा, इसको पकड़ते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा को पकड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन थीटा कॉमन लिया तो वन प्लस टू कॉस थीटा बना, नीचे इसको लिखा टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू वन प्लस टू कॉस थीटा, नीचे कॉमन लिया कॉस थीटा, क्या बना टू कॉस थीटा प्लस वन, ये निपट लिया, ये सही हो गया, तो क्या आया टेन थीटा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, थीटा की जगह पाई बाय फोर रख लो, थीटा की जगह पाई बाय फोर रखा तो अब आप देखो साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, कॉस पाई बाय साइन पाई बाय टू वन, वन प्लस वन बाय रूट टू प्लस कॉस टू थीटा मतलब कॉस पाई बाय टू जीरो, क्या आया रिजल्ट वन। अब ऑप्शन मैच कर लो, थीटा की जगह पाई बाय फोर रखने पर इधर है वन, इधर है इंफिनिटी, इधर है वन, इधर है इंफिनिटी, तो कंफ्यूजन होगा कि सर ये लगा है कि ये लगा है, तो थीटा पाई बाय थ्री से चेक कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, तो दो ऑप्शन में क्लैशिंग हो रही है ना कि सर ये वाला कि ये वाला, तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में मेहनत लगती ही है, लेकिन वो मेहनत इससे थोड़ी कम होती, तो ये आपकी चॉइस है, आप यहां थीटा पाई बाय थ्री लेकर के करते तो पक्का कुछ ना कुछ सही रिजल्ट आपको मिल जाता। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट सेक एट थीटा माइनस वन अपॉन सेक फोर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन एट थीटा अपॉन टेन टू थीटा, ये हमें प्रूव करना है, करते हैं हम। एलिजिस सेक एट थीटा माइनस वन, एलिजिस को पकड़ा, सेक एट थीटा, एक तो एक आदत डालो बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए पहले वीडियो पोस्ट करके उसके बारे में सोचो, रेफर कर लो, थोड़ी नेतागिरी करो, अप्रोच बनाओ। यहां पर दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठ रहे हैं एज अ स्टूडेंट कि सर आपने एलएचएस को ही क्यों पकड़ा, आरएचएस को क्यों नहीं, जवाब अभी मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि इधर एट थीटा और फोर थीटा, इधर एट थीटा और टू थीटा चाहिए, अब ये तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि अक्सर हमें साइन कोस ज्यादा समझ में आता है, वन बाय कोस फोर थीटा माइनस वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वन माइनस कोस एट थीटा अपॉन कोस एट थीटा इंटू वन माइनस कोस फोर थीटा इंटू ऊपर में कोस फोर थीटा चला गया। मुझे जिसकी चिंता करनी है वो है एट थीटा और टू थीटा, मुझे ना करना वन माइनस कोस दिखते ही टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल कोस फोर थीटा कोस एट थीटा, जैसे ही ये दिखा अटैक कर दो टू साइन स्क्वायर टू थीटा, दिमाग खराब हुआ नहीं होगा, देखो टू से टू निपट लिया, साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा, साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा और एक साइन फोर थीटा, नीचे है कॉस एट थीटा और साइन टू थीटा, सर ये कुछ ना कुछ होता है और हम फोर थीटा से टू थीटा में जाना भी चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि सर हमें मतलब है एट थीटा और टू थीटा से, तो यहां टू से मल्टीप्लाई क्या है, तो टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए, टू साइन बी कॉस बी यानी साइन एट थीटा इंटू साइन फोर थीटा, इसको मैं टू थीटा में बदल देता हूं क्योंकि मुझे फोर थीटा नहीं चाहिए, तो टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, नीचे कॉस एट थीटा और इंटू टू साइन टू थीटा, ये निपट लिया, ये क्या बना टेन एट थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बचा कॉस टू थीटा, कहीं ना कहीं गड़बड़ किया हम लोग, देखो यहां कोस एट थीटा था मेंटेन है, ये टू साइन स्क्वायर होगा वन माइनस कोस, तो यहां पर भी साइन स्क्वायर होगा, तो ये एक और साइन टू थीटा बचेगा, तब क्या बचा नीचे बचा टेन टू थीटा, तो हो गया प्रूव। अब एक क्वेश्चन था जो शुरू में आया था दिमाग में कि सर यहां पर आपने जो फॉर्मूला लगाया तो आपने एलएचएस को क्यों पकड़ा, क्योंकि यहां मुझे वन माइनस कोस दिख गया था और हमने कसम खाई थी कि जब भी वन माइनस कोस दिख जाए उसको टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल में ले जाओ, जब भी वन प्लस कोस दिख जाए उसको टू कोस स्क्वायर हाफ एंगल में ले जाए। अगली प्रॉब्लम को करते हैं, अगला क्वेश्चन है
10 9 degree minus 10 27 degree minus 10 63 degree plus 10 81 degree is equal to option A 1 2 3 4. ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे? एक टिप है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हर लेक्चर में टिप एमटीआर यही सब आता रहेगा, जब बहुत सारे एंगल हो, व्हेन मेनी एंगल्स कैन बी सीन इनटू द क्वेश्चन, जब बहुत सारे एंगल्स हो तब एंगल्स के बीच में रिलेशन देखें, दिस इज द टिप. When we see, when there are lot of angles in the question, always find a suitable relationship between angles. Sir, आपने जो suitable word बोला ना, ये दिमाग खराब कर रहा है. Suitable आप तो decide कर लेते हो, हम कैसे करेंगे? आप भी कर लोगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब आप ऐसे relationship ढूंढोगे कि 27 9 का 3 गुना है तो मजा नहीं आएगा. अब ये देखो कि 81 और 9 का connection है कि नहीं, है ना? कैसे? Complementary angles. 63 और 27 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मजा आ गया. तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशनशिप मिल जाए तो बड़े वाले एंगल को 90 माइनस थीटा में लिखना है, छोटे वाले एंगल को हाथ नहीं लगाना है. बड़ा कौन? जब कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्वेश्चन में दिखे तो जो एंगल 45 से बड़ा है उसको 90 माइनस थीटा में एक्सप्रेस करना है. 10 9 का कुछ नहीं किया मैंने, 10 27 का भी कुछ नहीं किया, 10 63 को लिखा 90 माइनस 27 और 1081 को लिखा 90 माइनस 9. ये बन गया 10 9 माइनस 10 27. 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस 9 कॉट 9. इसको उसके पास ले गया, 10 9 प्लस कॉट 9. वीडियो पॉज करके आप भी कर सकते हो, माइनस 10 27 प्लस कॉट 27. ठीक है, 10 9 प्लस कॉट 9 साइन 9 अपॉन कॉस 9, cos 9 upon sin 9 minus sin 27 upon cos 27 plus cos 27 upon sin 27. ये क्या बनेगा? sin square 9 plus cos square 9, 1 upon sin 9 cos 9, sin square 27 plus cos square 27, 1 upon sin 27 cos 27. sin 9 cos 9, sin theta cos theta, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अपॉन साइन 18 माइनस 2 अपॉन साइन 54. ठीक है, ओके. अब यहां पर क्या आ जाएगा? सर ये आ गया, 2 बाहर ले लिया, साइन 54 माइनस साइन 18 अपॉन साइन 18 साइन 54. फंसते जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है. साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सम बाई टू, टू कॉस सम बाई टू, 54 प्लस 18 कितना होगा? 72 बाई टू 36. ठीक है, और उसके बाद मैं साइन, ये तो क्या साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, 54 माइनस 18 36 बाई टू 18. नीचे साइन 18 तो मिल गया, ठीक है, नीचे साइन 18 तो मिल गया, सॉरी साइन 18, साइन 54 को क्या लिख दूंगा? 90 माइनस 36. पक्का आपका दिमाग खराब होगा बच्चों, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें ऐसा ही होता है. साइन 18 मेहनत करने वाला ही ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड कर पाएगा. cos 36 ये निपट लिया, क्या आया? 4. तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? 4. अब यहां पर एक शॉर्टकट था, यहां पर एक शॉर्टकट था, लेकिन वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि राइट नाउ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री. sin 18 डिग्री की एक बहुत अच्छी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़े, और sin 54 की भी वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, जो भी आप नहीं पढ़े, इसलिए मैंने यहां पर शॉर्टकट नहीं बताया. तो ये मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती अगर ये पता होता, लेकिन वो मेहनत आपको सिंप्लीफाई करना था, क्योंकि पता लग गया था कि वैल्यू सिंप्लीफाइड आती है.
तो तब तक करता गया जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो यहां पर इसको लगा दिया। अब आप बोलोगे कि सर यहां तो आपने साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, यहां टू साइन ए साइन बी क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट में आ रहा है तो इसको मैं सम के फॉर्म में लिखूंगा तो नीचे दिमाग खराब हो जाएगा ना, नीचे मुझे कैंसिलेशन कैसे मिलेगा? तो इसको वही मेंटेन रखा, ऊपर आ गया, कैंसिलेशन के लिए दिमाग लगाया तो साइन 18 से साइन 18 तो कट रहा था, कोस 36 और साइन 54 में रिलेशन था क्योंकि 54 होता है 90 माइनस 36। तो मैंने सोचा तो मुझे पता लग गया और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बच्चों प्रैक्टिस करने से ही ट्रिग्नोमेट्री सॉलिड होगी, पूरी मैथमेटिक्स की ही यही बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा तो आप अपने आप सीखोगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा राइट। इसको प्रूव कर, ठीक है, एलएचएस उठाया, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपने रटा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा भी कुछ ना कुछ होता है और 1 माइनस कॉस थीटा भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बच्चों 1 प्लस साइन थीटा ज्यादा अच्छा नहीं होता है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, उससे पहले 1 माइनस कॉस थीटा। आप ना हमेशा ये क्वेश्चन अपने आप से किया करो कि सर आप क्या रट के आए थे क्या, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर आप क्यों का आंसर ढूंढते हो कि सर इसी तरीके से सॉल्व क्यों किया, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमेशा। तो सॉल्यूशन जब आप देखते हो तो क्या करते हो, एज इट इज, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, स्टेप से स्टेप आप कंक्लूड करते रहते हो कि हाँ ये वाली स्टेप सही है, ये वाली सही है। तो बच्चों आप सॉल्यूशन जब भी देखो ये देखो या ये पूछो अपने आप से कि करने वाले ने ऐसे ही क्यों किया, तब जाकर के आप सीखोगे। फिर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, अभी देखना इसको क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 लाना भी चाहिए था, अपने आप हिंट मिल जाएगा थीटा बाय 2 कब आएगा, जब 1 माइनस कॉस थीटा को पकड़ूंगा, पहला जवाब। दूसरा ये फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है, अब इसको कैसे ब्रेक कर दूंगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब आप देखो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 sin थीटा बाय 2 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है 2 cos थीटा बाय 2, क्या बच रहा है cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, ये निपट लिया, क्या है tan थीटा बाय 2। तो क्यों किया सर, यहां पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाने में समझदारी है और वही मैंने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस फाई प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4 कॉस फाई, देन प्रूव दैट टेन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू रूट ओवर, एक सेकंड इसको गलत लिख दिया, 4 3 4 3, प्रूव दैट 1 अपॉन रूट ओवर या 1 बाय रूट ओवर 7 10 5 बाय 2। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, एक बार आईआईटी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहां देखो जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos theta is equal to 4 cos 5 plus 3 upon 4 plus 3 cos 5, ठीक है, ये कब आएगा theta by 2 कब आएगा। दूसरी चीज, tan 5 by 2 भी हो रहा है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि एक MTR मुझे आपको बताना है, MTR ये है, अब उसको 8th नंबर का MTR कर लेना, आज का 8th नंबर का, कि 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, कैसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू क्या आ गया, टू टेन, टू से टू कट गया, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, उल्टा भी याद रख सकते हो, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, बड़ा मजेदार होता है, कॉट स्क्वायर एक्स बाय टू। तो ये कैसे आया, ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा से आया होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में हिंट आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री कॉस फाइव अपॉन फोर कॉस फाइव प्लस थ्री। अब कॉम्पोनेंट हो एंड डिविडेंड हो, ऑन अप्लाइंग कॉम्पोनेंट हो एंड डिविडेंड हो, पिछले लेक्चर में बताया था ना योगांतर अनुपात, a by b is equal to c by d, तो a plus b upon a minus b, तो 1 minus cos theta, तो मैं क्या लगा रहा हूं, dividend and component, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, this minus this upon this plus this, this minus this, 4 plus 3 cos phi minus this minus 4 cos phi minus 3, नीचे this plus this, 4 plus 3 cos phi प्लस फोर कोस फाइव प्लस थ्री, ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अभी बताया ना, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, वन माइनस कोस फाइव, सेवन प्लस सेवन कोस फाइव, तो आ गया टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर फाइव बाई टू अपॉन सेवन इंटू टू, सेवन कॉमन ले लिया तो वन प्लस कॉस फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, टू से टू निपटा, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू कितना आया, वन बाई सेवन टेन स्क्वायर फाइव बाई टू। अब आप समझ गए कि टेन थीटा बाई टू वन बाई रूट सेवन टेन फाइव बाई टू। तो ये जो मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो क्यों करा रहा हूं सर, इसलिए करा रहे हो क्योंकि आपको पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना तो होता है कि थ्योरी डिलीवर कर दो हो गया काम, वो एमटीआर लिख लेना। यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिर्फ साइन टू थीटा, काम तो फॉर्मूला साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के ही आ रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ याद करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर जगह आपको साइन टू थीटा नहीं मिलेगा, आपको वन माइनस कॉस टू थीटा मिलेगा, हर जगह आपको साइन थ्री थीटा नहीं मिलेगा, आपको मैनुपलेटेड यानी जो कंक्लूजन आप पढ़े हो उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले कंक्लूजन याद करवा दिए। और वो कंक्लूजन कैसे दिमाग में क्लिक करते हैं, क्वेश्चन की शक्ल देख करके क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट ओवर टू प्लस रूट ओवर टू प्लस टू कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू टू कॉस थीटा। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, बनेगा। एलएचएस पकड़ा, रूट ओवर टू प्लस रूट ओवर टू वन प्लस कोस फोर थीटा, मेरी नजरें वन प्लस कोस पर अटक गई तो बस उसी पर अटैक किया, टू प्लस रूट ओवर टू इंटू टू कोस स्क्वायर टू थीटा, टू प्लस रूट ओवर फोर कॉस स्क्वायर थीटा, टू प्लस बाहर क्या आएगा, टू मोड ऑफ कॉस थीटा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकंड, यहां पर हो गए फोर कॉस स्क्वायर टू थीटा, ठीक क्या आएगा, टू मोड कॉस टू थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा मोड ऑफ एक्स, ठीक है, याद समझ में आ गया। अब बच्चों ये दो तरीके से स्प्लिट हो सकता है, रूट ओवर टू माइनस टू कॉस टू थीटा में भी ये स्प्लिट हो सकता है, और रूट ओवर टू प्लस, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, मोड ऑफ कॉस टू थीटा, ये क्वेश्चन आपका जेईई में पूछा जा चुका है, मोड ऑफ कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा होगा कब, जब कॉस टू थीटा पॉजिटिव हो, माइनस कॉस टू थीटा होगा कब, जब कॉस टू थीटा नेगेटिव, कॉस टू थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब टू थीटा
एक्यूट एंगल हो या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो, तो मैं यहां पर इंटरेस्टेड इस बात पर नहीं है क्योंकि यहां डायरेक्ट उसने रिजल्ट बोला है। तो अगर मान लीजिए ये वाली चीज देखना, इससे आएंगे रूट ओवर टू कॉमन ले लिया वन प्लस कॉस टू थीटा। क्वेश्चन इससे कैसे बनता है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, मतलब किस तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा यानी टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल रूट ओवर फोर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा टू मोड ऑफ कॉस थीटा। इसको आगे सॉल्व किया, टू वन माइनस कॉस टू थीटा टू। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, यहां मैं चाहता तो बच्चों मोड नहीं लगवाता, लेकिन याद रखना रूट ओवर एक्स स्क्वायर हमेशा मोड ऑफ एक्स, टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा, ये आएगा टू मोड ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से आप किसी की भी चिंता नहीं करते, इसको सीधा x में एक्सपेंड करते और ऐसा करते जाते तो 2 cos थीटा आ जाता। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये क्वेश्चन मैं कैसे बनाऊं, मान लीजिए ऐसा होता कि इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 देन वो जो LHS था वो किसके इक्वल होगा। ध्यान से देखना, अगर थीटा 0 से पाई बाई 4 है तो 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा। अगर कोई चीज 0 से पाई बाई 4 है तो उसके दुगना 0 से पाई बाई 2 होगा। तो 0 से पाई बाई 2 होगा, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये अगर 0 से पाई बाई 2 है तो cos ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव, तो 2 ऑफ 2 प्लस 2 cos 2 थीटा ऐसे खुलता। तो LHS क्या बनता जाता इस तरीके से, फिर यहां पर थीटा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4 कैसे खुलेगा 2 cos थीटा। तो LHS किसके ऊपर आ जाता, 2 cos थीटा के ऊपर। लेकिन अगर थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 होता तो 2 थीटा क्या होता, 2 थीटा होता पाई बाई 2 से पाई, यानी 2 थीटा यहां होता फिर। तो यहां देखो मॉड ऑफ cos 2 थीटा कैसे खुलता, 2 माइनस 2 cos 2 थीटा में 2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा। यहां तक थीटा क्या है, एक्यूट है, तो क्या आ जाता 2 sin थीटा। यानी यही क्वेश्चन बच्चों दो तरीके से बन सकता है। अब आप बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा cos 2 थीटा आ रहा था, आपने दिमाग खराब क्यों किया। बच्चों आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, पहली स्टेप से अगली स्टेप लिखते समय कॉन्शियसली लिखोगे, जो फैक्ट्स हैं उन्हीं के बेसिस पर लिखोगे। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इज इक्वल टू इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, ऑप्शन ए कॉस थीटा, ऑप्शन बी 2 कॉस थीटा, ऑप्शन सी 2 साइन थीटा, ऑप्शन डी साइन थीटा। तो आप देखोगे तो इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि इफ थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 देन रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इज, तब ये रिजल्ट आता है बच्चों 2 साइन थीटा। ऐसे यहां से बहुत सारे, तो जेई मेन में ऐसे पूछा जा चुका है। तो ध्यान कहां रखना था, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा रूट ओवर 2 प्लस 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 प्लस रूट ओवर 2 cos स्क्वायर 2 थीटा मतलब 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। क्या है 2 प्लस 2 मोड ऑफ cos 2 थीटा, रूट ओवर x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोड ऑफ x। फिर 2 प्लस 2, अब इसको कैसे करूं, प्लस cos 2 थीटा में कि माइनस cos 2 थीटा में, थीटा 0 से पाई बाई 4, थीटा 0 से पाई बाई 4 नहीं है, हाँ थीटा 0 से पाई बाई 4, लेकिन हम लोग ये वाला क्वेश्चन करें ना, ये वाला थीटा है पाई बाई 4 से पाई बाई 2, तो अगर थीटा 45 से 90 है तो 2 थीटा 90 से पाई होगा, तो 2 थीटा 90 से पाई होगा तो cos सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल नेगेटिव, यानी कैसे खुलेगा, फिर क्या हो गया 2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा,
4 sin square theta मतलब mod of sin theta, मतलब 2 mod of sin theta. थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है. इसका साइन पॉजिटिव होगा तो अंदर वाला आइटम पॉजिटिव, तो क्या 2 sin theta. तो इसकी इस क्वेश्चन को कई तरीके से जेई मैन पूछ सकता है. इस तरीके से बस कॉन्सेप्ट क्या था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और कॉन्सेप्ट क्या था, 1 प्लस कॉस ऑफ एनीथिंग 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, और 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल. ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ. तो ये बच्चों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए. अब आज मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसको करना, उसके बाद में थोड़ी और मेच्योरिटी आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगी अपने आप में. अब आप ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 3.3 उसको निपटा सकते हो. मैं आपको होमवर्क भी दूंगा आज, अच्छा होमवर्क दूंगा, अच्छा खासा. एनसीईआरटी में आपको 3.3 करना है, एक बार चेक कर लेना. हाँ 3.3 करना है. 3.3 अभी तक मैंने पूरी आपको नहीं दी थी, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा क्वेश्चन बैंक से, वो आप अभी चूंकि वीडियो प्राइवेट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखोगे तो वहां आपको होमवर्क दिख जाएगा. बस बच्चों वेबसाइट पर काम चल ही रहा है, और आई थिंक कि 1st of August तक फाइनली लाइव वेबसाइट हो जाएगी, मतलब पब्लिश हो जाएगी, मतलब आपके आपको दिखने लगेगी सारी चीजें, वही स्मूथली चलेंगी. टिल नाउ आप कोर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देख रहे हो, बहुत आसान है. चैनल विजिट करो, फिर उसमें प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपके सारे वीडियोस मैथ्स के 11th प्राइवेट में मिलेंगे या फिर मैथ्स में मिलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहो, इस होमवर्क को फिनिश करना. अगले लेक्चर में हम लोग कॉन्क्लूजन्स यानी 2θ 3θ पर बेस्ड जो भी कॉन्क्लूजन्स थे उनको, थोड़ा और बचे हुए हैं उनको भी रिकॉल करेंगे, और फाइनली ट्रिग्नोमेट्री में अब तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले सारे पढ़ लिए हमने, बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग सारे पढ़ चुके हैं. तो मैं आपको कुछ एमटीआर और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील करवाऊंगा, कुछ टिप्स पढ़वाऊंगा. अगला लेक्चर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज को फिनिश कर देगा, उसके बाद में हम और भी चीजें पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी, लंबी है, लेकिन आपके एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में. फिर हम लोग बियॉन्ड एनसीईआरटी मूव करेंगे, और 3.3 जैसे भी पूरी हो जाएगी आपको वैसे पता लग जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पूरा हो गया. तो आज के लिए इतना काफी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क जरूर देखना और उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना. आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों. इनफ फॉर टुडे. बाय बाय एवरीवन.